रात में मेरे से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ गाइस, सच बता रहा हूँ। 8.5 नहीं करीब 801 रुपीज़ का मेरे से फ्रॉड हुआ है। जैसे मैं फ़ोन पे यूज़ करता था तो फ़ोन पे के मालूम में कुछ स्क्रैच करने के लिए आया था, तो वो मैंने स्क्रैच कर दिया, तो उसके बाद मेरे संग फ्रॉड हुआ है। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो चलिए अभी बताऊँ, बाहर चलते हैं, समोसे लेके आते हैं और बताऊँ कल रात में जो मेरे संग हुआ है उसकी पूछे मतलब डिटेल में एक वीडियो दिखा दूँगा कि क्या हुआ मेरे संग। तो चलिए अभी चलते हैं, लेके आते हैं समोसे। अभी तो ले लिए और भाई और बुलेट चल रही है बिल्कुल जीरो पे, और वो सामने से आ रहा कार वाला, तो अभी चलते हैं बताऊँ आगे। मेरा दिमाग का सही हो रहा है, सही बता रहा हूँ, मैंने अपने लिए खरीदे भी नहीं समोसे, मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं पैसे जमा करूँगा। भाई मैं तो घर पे आ चुका हूँ, बट मैं अपने लिए लाया क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगा यार, सच बताऊँ मेरे पे नहीं खाया जाएगा, सही बताऊँ तो। तो गाइस पापा तो ड्यूटी गए, तो और अब हम नहाने चलते हैं, करीब 6 दिन हो गए भाई नहाए हुए, देखो शकल पे 14 बच्चों के। तो गाइस चलिए अभी नहाने चलते हैं और बताऊँ आ तो शैम्पू से बाल धोएंगे 6 दिन बाद तो। चलो तो गाइस कई दिनों बाद नहा लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो यार नए कपड़े पहन के बिल्कुल अलग ही लग रहा है। तो गाइस बहुत सही है बताऊँ, नहा धो के बाल फल और जो नया टोपा लिया उसे बताऊँ, सोच रहा हूँ अभी कहीं बाहर घूम के आऊँ इज्जत नगर तक, तो देखते हैं कि प्लान क्या बनता है ना बाहर जाने का। तो अभी थोड़ी देर वैसे पढ़ लेते हैं, फिजिक्स वाला के फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं अभी, सब्सक्रिप्शन था वो ले लिया 5000 रुपये का, क्योंकि नया जो उसका आ रहा है सिलेबस रेडियो परिचालक का, उसमें फिजिक्स और मैथ चाहिए, तो फिजिक्स पढ़ना दोबारा से स्टार्ट कर दी। चलिए अभी क्या है देखते, चलिए खाना खाते हैं, ये दाल है अपनी ये वाली और चावल भी खाते हैं और फिर मिलते हैं। ये कुकर में रखे हैं चावल अच्छे आ रहे बने आज, शायद एक जैसे नॉर्मल आते हैं जी आए भाई से नए वाले बासमती। तो चलिए मेरे बाबूओं को खाते हैं। ओ ये गर्म है। चलिए अभी चलते हैं कहीं बाहर घूम के आते हैं, नहा तो ले लिए राजा बाबू बने हुए, बिल्कुल चलो वही हो गया, 3 बज गए बुलेट से चलते हैं, पैसे में से कोई फायदा नहीं है, मजे नहीं आते। गेट गाइस यहाँ पे खूब पकड़ा पकड़ी जा, खूब मस्त पकड़ रहे हैं सामने, ये देखिए भाई साहब अपनी बुलेट ये। चलिए अभी चलते हैं गाइस, अभी बताऊँ इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है उधर आए हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये अपना राजदुलारी खड़ी है, और बताऊँ मैं सोच रहा हूँ इस पर एक शॉर्ट्स ले लूँ, बट वो लाना भूल गया, ट्राईपॉड ही लाना भूल गया, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं और बताओ रस्ते में क्या मस्त पुलिस पकड़ रही है भाई साहब, सही बताऊँ देखता रह गया मैं तो, वो लड़के मुझे देख रहे हैं कि बताऊँ मेरे को क्यों नहीं पकड़ रहे, बट उन्हें यही नहीं वाला स्टाफ है अपना। चलिए अभी एक फ़ोटो खिंचाते हैं फिर मिलते हैं आपको, भैया से बोलते हैं थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लें, अभी एक भाई से थंबनेल खिंचवा लिया और अपनी इसे मैं लगा दिया इसे थंबनेल पे लेने के लिए, सही है। और भाई साहब कितनी सही लग रही, तो एक बार बताऊँगा इस बुलेट के बारे में, थोड़ा सस्पेंस है वो, जब मैं आपको बताऊँगा वो सस्पेंस मार्च में, अगर इस वीडियो पे 20 लाइक हो गए तो, अगर इस वीडियो पे 20 लाइक हो गए तो बता दूँगा। तो चलिए अभी बताऊँ, मैं सोच रहा हूँ उस बुक की और पूछ गया हूँ, जो क्या नाम है वो है मैथ वाली एशचंद, उसकी पूछ लेते फिर आपके पास, वहीं चलते हैं उधर, क्या नाम है ये इधर राजेंद्र नगर में, एक राजेंद्र नगर दिल्ली में एक यहाँ पे। तो चलिए अभी चलते हैं उस साइड और देख के आते हैं मिलेगी कि नहीं। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को भुगतेगी मेरे। देखिए वो सिंगल डब्बा जा रहा है अकेला, सही लगता है। इधर बताऊँ ज़्यादातर ट्रेनें वैसे उसके लिए नहीं जाती, जैसे लंबे टूर के लिए वैसे नॉर्मल के लिए जाती हैं, सही है बताऊँ कोई बुरा नहीं है। और बताऊँ देखिए बताऊँ इधर लोग बताऊँ, जैसे ये पार्किंग बनी है मेन, और किसी के लिए नहीं है मेन पार्किंग के लिए, बट बताऊँ इधर पार्किंग ना करके लोग करते रहते हैं, कोई वैसे वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, तो ऐसे कुछ है सही बुरा नहीं है, ऐसे शॉर्ट वगैरह लेने के लिए बहुत सही है, जैसे लोग जैसे बताऊँ लोग जैसे रनिंग के लिए आते हैं सुबह सुबह। चलिए अभी बुक लेने चलते हैं फिर आपको मिलते हैं, थोड़ी चलते हैं और पूछते हैं भैया से, जैसे वो फॉर्म आया है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और मतलब क्या क्या, और ई श्रम कार्ड की पूछेंगे, ई श्रम कार्ड बनना है पैसे मिलता है फ्री में उसकी, और ये भैया हैं यही बताऊँ सारा काम करते हैं, सिर्फ पूरा यही संभालते हैं हैंडल का। तो गाइस अभी बताएं एक ये सेटअप है, जैसे इस साइड की दीवार और देखो इस साइड काम है नहीं, और इंसान ना इधर से जा पा रहा है और ना उधर से, आमने सामने सब आ गए हैं एक दूसरे के, सही है कि नहीं, बिल्कुल व्यवस्था बेकार चल रही है ऐसे में। तो गाइस बताऊँ अब क्या करें, देखो ना वो इस साइड वाले पीछे ना उस साइड वाले, वैसे लेना तो इस साइड वालों को पीछे चाहिए, बट कोई नहीं वो निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है सामने वाला, बट क्या कर, चलिए अब कोई नहीं हम अपनी तो लेके हम देखते हैं निकल पाएंगे कि नहीं, निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात, मतलब लोग कोशिश तो कर रहे हैं, बट देखो क्या मस्त जाम लग चुका है, और अगल बगल बताऊँ लोग निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर सामने वाला निकाल ही नहीं रहा, उसमें
अभी रेड लाइट की भी कोई फायदा नहीं है। अभी एक बात आचार संहिता लगने के बाद काम स्टार्ट हो रहा है, 5 साल से नहीं हुआ बट आचार संहिता लगते ही काम स्टार्ट है। भाई हंसी आ रही है, झूठ नहीं बोलना। नहीं नहीं बताओ, लोग अभी भी नहीं मानते, शायद हरी हो गई पर। तो चलिए अभी चलते, ये सब तो चल दिए, हो गई। चलो गाइस अभी रेड सिग्नल हो रखा है, देखिए अब लोग रुक रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। देखिए थोड़े थोड़े लोग रुकने लग गए बट ज़्यादातर रुक मुड़। चलिए अभी बताऊँ, जैसे उस साइड में देखिए, जैसे अभी रुको प्योर, तब निकलेंगे अपने लोग। देखिए लोग बताऊँ खूब अवेयर हो रहे हैं, जैसे पहले लोग के खिलाफ, बट चलिए सही है, लोग अवेयर तो होना चाहिए। मेन चौराहे पे जैसे खड़े हुए थे सामने, देखो ये वाला घर है, मस्त लग रहा है ना, और सामने मैं की गाड़ी खड़ी। भाई मैं सोच रहा एकदम बताऊँ, जैसे पुलिस वगैरह आती नहीं है नॉर्मली के लिए, बट उसमें पुलिस आई हुई थी, मैं समझ नहीं पाया एकदम हुआ क्या। अच्छा मजिस्ट्रेट साहब आए हुए और 2-3 पुलिस वाले खड़े हुए, और घर देगा तो उपाध्यक्ष चंगुई उसका है, बट मजिस्ट्रेट ऐसा आता नहीं है नॉर्मली हर किसी के घर में, बट कुछ बड़ा होगा इसीलिए आए होंगे, या शायद आचार संहिता के बारे में कुछ डिस्कशन करने आए होंगे। तो गाइस अभी बताओ पेट्रोल पंप पे खड़े थे इस वाले पे, और बुरा हाल है। और चलिए अभी बताओ, जो अपने बाबू खड़ा है, चलिए अभी चलते हैं। भाई भीड़ बहुत सही होती है इस पर, शायद अभी इस वाले बताओ चालान बहुत हो रहे हैं आजकल, जैसे ऑनलाइन चालान आ जाते, पहले नहीं आते थे। चलिए अभी घर चलते थे। गाइस बताओ, जैसे सारा इन लोगों ने खोज खाद रखा है, बिल्कुल बताओ इन्हें पार्टीशन कर रखा है, तो यही सोच लो कि इंसान निकलेगा, इंसान के निकलने की कोई जगह नहीं है, बस इन्हें मतलब है आचार संहिता में मस्त काम कर रहे हैं। हाथ तक इनने वैसे काम नहीं किया होगा बट आचार संहिता में इन्हें काम करना ही करना है, और कोई मैटर नहीं है। आचार संहिता से पहले कभी काम नहीं किया होगा बट भाई है चुनाव, कर रहे हैं काम वो लोग अपना। भाई जैसे सामने काम चलने की वजह से बताऊँ जाम लग ही रहा है, दोनों साइड के लोग एक संग निकालना चाह रहे हैं। बताए तो पूरे आगे तक जाम है गाइस, बहुत तगड़ा है जी, इन्हीं के कार्ड लगा है, वैसे काम नहीं चल रहा था। अभी इन लोगों को बताऊँ काम है, भले कोई मैटर नहीं है पर तब भी अब क्या कह सकते हैं। और बताऊँ लड़ाई और हो जाती है बिन उसके, कुछ मैटर होता है देखो भाई, और दोनों साइड से लोगों को निकलना है, अब क्या कर सकते हैं। चलिए और मैं तो 2 बार क्लियर करा चुका हूँ, सही बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, इतनी देर से जाम ही जाम लग रहा है, और मैं आगे और लग रहा है भी बजा रहे पूरा मैन उसके आगे और जाम लग रहा है। जैसे बताऊँ काम ही चल रहा है और आगे देखिए गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, अभी नहीं भी मोड़नी पड़ रही है बकायदा। वैसे बताऊँ जैसे बाइक वाले हैं टू व्हीलर्स वो तो समझ सकते हैं, इस साइड से निकल सकते हैं, बट कार वाले नहीं निकल रहे तो क्या है उसमें दिक्कत। बट गाइस सच बताऊँ कोई रुकना नहीं जा रहा, सब अपनी अपनी जल्दी में, मेन मैटर इन लोगों का बनना है कि बताऊँ इन्हें पहले निकलना है सबसे, इसीलिए ये लोग वो कर रहे हैं जाम, और बीच में ट्रैक्टर लगा रखा है उसने, इस साइड में भी काम चल रहा है, तो निकल कोई नहीं पा रहा, बट क्या कह सकते हैं उसमें। आप भी देख लो आचार संहिता में काम चल रहा है तो कुछ बड़ी बात होगी, शायद चुनाव की वजह से काम चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मेन वी बाज़ार के आगे जाम हो लग रहा है, देखो वी बाज़ार है पूरा उसके सामने, भाई एक बार तो नहीं निकाल पा रहे, बहुत पतली गली है, कोई ज़्यादा पतली गली नहीं है। तो गाइस एक अंकल हैं वो कह रहे हैं कि इस साइड ले लो, जो देखो भाई इतनी लंबी लाइन लग रखी है कि आप वापस ले लो, बिल्कुल ख़त्म। तो गाइस बताऊँ अभी मैन उसके बाकी बैरी मंदिर के, तो चलिए वैसे इसमें फ़ोन अलाउ तो नहीं, चलते हैं अंदर और थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं, फिर घर ही चलते हैं, मतलब बहुत देर हो गई बाहर, बुक मिली नहीं मैंने पूछी उन पर थी नहीं बुक, चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं और अपनी बाबू पे कपड़े डालते हैं, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि ऊपर ही चलते हैं, मतलब बुक सारी पूछ ली पर कोई नहीं मिली भाई साहब, एक भी नहीं मिली, चलिए अभी तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखना पीछे का मस्त बैकग्राउंड आ रहा है, और देखिए ये वो टोपल आया था, अब जाके सूखा, उस दिन धोया था ना, उसके बाद से अभी तक सूखा नहीं था। तो चलिए बताऊँ अब मौसम तो सही है, और कुछ वैसे ब्लॉग में दिखाने के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, चलिए अभी चलते हैं नीचे और फिर आपको थोड़ी देर मिलता हूँ, और फिर ऊपर कपड़े भी तो लेने आने दोबारा, चलिए ख़त्म। बताऊँ यार तुम लोग लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिन सब्सक्राइब के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता, और आज मैं नहाया भी था तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से नहाया था मैं, तुम लोग बोल रहे थे इतने दिनों से नहाया नहीं, कोई नहीं बोल रहा था मुझे मालूम। तो चलिए इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, अगर आप नहाए तो उसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अभी खाना बन चुका है मस्त वाली, देखो बरी की, तो थोड़ी चला के दिखाता हूँ और थोड़ी चखते हैं भाई साहब बरी। तो चलिए अभी करते हैं फिर आता हूँ, बहुत ही भूख लग रही है, और ब्लॉग भी अभी थोड़ी देर खत्म करेंगे।